व्यापारी है, जहां फायदा होगा वहीं करेंगे। सुन लेते हैं आप। देखिए हमारा गठबंधन इनेलो के साथ है, मजबूत गठबंधन है, सोच समझ के गठबंधन किया गया है। क्या बोल रहे हो आप मुखी जी, क्या बोल रहे हो? सच वो जो मुखी करके बोले। मुखी जी क्या बोल रहे हो हजारा के साथ? मुखी साहब आप क्या बोल रहे हो हजारा के साथ? आपका गठबंधन है आपके इनेलो के साथ, हरियाणा जनहित के साथ। वो अभी तक काफी दूर है, आप वो दूर है। हमारा गठबंधन अजका के साथ, आप क्या बोल रहे हो बता दो। यार पहले भी जीती हैं, पहले भी 10 की 10 सीटें जीती हैं। जी जी हमने हमारा सवाल यह था कि इनेलो के साथ आप आएंगे या हजका के साथ गठबंधन जारी रखेंगे? हजका के साथ गठबंधन है, मैं ये बोल रहा हूँ ना, हमारा हजका के साथ गठबंधन है, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। हजका के साथ हैं, हजका के साथ रहेंगे। और इनेलो जो बार बार आपको आमंत्रण दे रहा है उसका क्या होगा? आपको एक आश्चर्यजनक ये आपको लगेगा कि नहीं, उन्होंने कहा है कि हमें बिना किसी शर्त के समर्थन करेंगे, ये उनका आउटलुक है। यानी अगर वो समर्थन देना भी चाहे तो आप नहीं लेंगे? हमारा गठबंधन हजका के साथ है। कैटेगोरिकल जवाब दीजिए ताकि हम नीचे स्तर पोलिंग बूथ स्तर तक मिलकर के चुनाव। मुखी साहब हम जानना ये चाहते हैं कि क्या आप ये प्रभारी होने के नाते ये कह सकते हैं कि चाहे कोई परिस्थिति बने हम हजका के साथ ही रहेंगे, इनेलो से कोई समझौता नहीं करेंगे? और मजबूत गठबंधन है। राजीव जी उनके पास जवाब नहीं है। हजका से मेरा बहुत हमदर्दी है, भजनलाल जी का मैं हाथ रहा हूं। हमारा समझौता बहुत सोच समझ कर राष्ट्रीय नेताओं के बीच में बैठकर हजका के साथ हुआ है, और हजका के साथ मिलकर के ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, हजका के साथ ही मिलकर चुनाव आगे लड़ेंगे विधानसभा का भी। ठीक है नरेश यादव जी। हाँ जी, आप बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा आपने कर लिया है, लेकिन जमीनी हकीकत यही बता रही है जो सवाल मुखी साहब से किया गया था कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती कांग्रेस के भीतर के लोग हैं, विपक्ष उतनी बड़ी चुनौती अभी भी पेश नहीं कर पा रहा है। पिछले 2-3 बार के चुनाव कम से कम यही इशारा कर रहा है। देखो कांग्रेस के अंदर आज 10 सांसद हैं हरियाणा के अंदर, कांग्रेस में 9 सांसद हैं, हरियाणा में 10 में से एक सांसद हमारे कुलदीप बिश्नोई जी हैं। कांग्रेस की तो ये स्थिति है कि पिछले चुनाव में भी मैं भिवानी पार्लियामेंट की आपको बता दूं, वहाँ के एमपी की, मैं गुड़गांव पार्लियामेंट के एमपी बता दूं, एक भी सीट पे उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। वो पिछली बार इनेलो के साथ समर्थित होकर के कहीं इंडिपेंडेंट के साथ, कहीं दूसरों के साथ उनका चुनावी मुद्दा रहा। ठीक है, हमारा गठबंधन क्योंकि पूरे देश ने देखा है कि पहली बार गठबंधन हुआ, और 3 साल पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चौधरी देवीलाल के साथ 85-86 में हुआ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ राव नरवीर सिंह जी भी थे, 6 महीने पहले गठबंधन हुआ, और चौटाला के साथ तो चुनाव के दौरान गठबंधन हुआ। ये गठबंधन 3 साल पहले हुआ है, एक दूसरे के कार्यकर्ता से दिल से हजका भाजपा गठबंधन जुड़ चुके हैं, जो वोटों में बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से ये गठबंधन था जो हमने इस हार लोकसभा चुनाव जीता। लेकिन कांग्रेस की जमानत की, लेकिन हमने आपको एक बात बता दें, हाँ जी, बीजेपी के नेता बहुत खुश नहीं है क्योंकि कई बार इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं कि बीजेपी के नेता कुलदीप जी को फोन करते हैं और कुलदीप जी फोन भी नहीं उठाते, उनसे बातचीत भी नहीं करते, अंदर खाने पे कोई ऐसा नहीं है। हजका के लड़कों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका है, ये वर्गों का दिल से दिल मिला हुआ है, शैतानी चाल थी, ये कोई हजका के कार्यकर्ता नहीं, ये जो झंडा है, चौधरी जी सुनना सीखो, ये जो झंडा है हरियाणा जनहित कांग्रेस का, ये झंडा नहीं, इसमें लाल निशान बीच में है। वो शरारत करने वाले तत्व ये भूल गए कि हमारे झंडे के अंदर ट्रैक्टर का निशान होता है, उसमें ट्रैक्टर का निशान नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो खोल करके वो जुलूस को देख लो, जो ये लोग आपको नजर आ रहे हैं इनको हम जानते नहीं। तो आप ये कह रहे हैं प्रभारी नहीं है, मैं फरीदाबाद का भी प्रभारी हूँ, मैं सारे नेताओं को जानता हूँ, हमारी पार्टी का कोई युवा कार्यकर्ता इसके अंदर नहीं है, हमारा गठबंधन अटूट है। चाल हो सकती है, हम चाहते हैं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और कुलदीप बिश्नोई जी पहले हरियाणा की सीएम बने। इनेलो भी चाहते हैं और उन्होंने समर्थन का ऐलान किया, दोनों की दो चाहते मिलती नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांतवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, जो लोग सजा याफ्ता है, जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, हरियाणा में खूब दिए जाते हैं, हरियाणा की जनता को जिन लोगों ने पहले लूटा है, काले दिन का बयान दिया था, उससे पहले ऐसी बातें इनेलो और ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ इनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा,
मैम कांड हुआ उसके बाद बीजेपी ने 1991 में पहले समर्थन दिया, उसके बाद समर्थन वापस लिया 1991 के चुनाव में, ये अलग अलग लड़े। उसके बाद जो 96 में इन्होंने जब दोबारा इन्होंने समर्थन दिया 99 में, तो ये ओम प्रकाश चौटाला की कार्यशैली से खुश होकर के फिर ये अलग हुए। इन लोगों ने खुद कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भाई ओम प्रकाश चौटाला के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत गलत रहा, हमारे लोगों की पिटाई हुई, मुकदमे दर्ज हुए, हमारे साथ यातनाएं हुई। जब समर्थन हुआ था तब तो वैसी भाषा बोली जा रही थी, अब वे लोग भूले नहीं है। अब ये कार्यकर्ताओं का दिल का मिलन है, हरियाणा की जनता, हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता, हरियाणा की 36 बिरादरी के लोगों का फैसला है। अब ये ऊपर के लोग, ऊपर के लोग मान चुके हैं कि ये समझौता अटल है, ये टूटने वाला नहीं है। मैं एक बात में जवाब दूंगा कि टोटल एमएलए दोनों पार्टियों के कितने, एमपी कितने हैं, और उसके बल किस बलबूते पे ये कांग्रेस को या वोटर्स को चुनौती दे रहे हैं, जैसे उनसे छीन के लाएंगे वोट। क्या अगर अपने तौर पे आप देखें तो बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का, ये लेटेस्ट जो मुजफ्फरनगर का हुआ है, इस पे भी आपको महसूस करना चाहिए आप कहीं आपके साथ धोखा होने जा रहा है। चौधरी जी, हमदर्दी चौधरी जी है, चौधरी जी चौधरी जी आप हमारे साथ एमएलए थे और आपने दो इंडियन नेशनल लोकदल के एमएलए भी शामिल कर लिए थे, और संपत सिंह जी को भी आपने साथ ले लिया था, दूसरे लड़कों को भी साथ ले लिया। इलेक्शन लड़के आपने टिकट दी कांग्रेस की, 80 में से आपके पास 40 बच गए, तो आपको जनता पिछले चुनाव में सब कांग्रेस पार्टी जनता परिवर्तन चाहती है। मेरी बात सुनिए, यात्री के लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप को तो ठीक कांग्रेस के लिए क्या बड़ी मुश्किल है, जीतने के बाद आउटसाइड सपोर्ट चौधरी साहब, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या बड़ी मुश्किल है, क्या बड़ी प्राथमिकताएं हैं, क्या विपक्षी दलों की जो चुनौतियां हैं, क्या रेवाड़ी की जो रैली है उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, या घर के भीतर की मुश्किलों से ही आप इतने ज्यादा परेशान हैं कि बाहर कोई ध्यान नहीं है? बिल्कुल, मैं सीधा स्पष्ट जवाब दूंगा। पहली बात, रेवाड़ी या रेवाड़ी में बीजेपी के एक आदमी को पोर्ट्रे करके उसके जो है ना बढ़ा देना, मेहमा मंडित कर देने से कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई भय नहीं है। अभी एक बात आप लॉजिकली बेस्ड मान लीजिए, किसी आदमी ने एक दिन को भाषण दिया, उसके बाद रिएक्शन तो देखिए, उनके जो जो सवाल, जो जो बातें, उन्होंने अमेरिका में भी कटाक्ष किया, उन्होंने पाकिस्तान में भी कटाक्ष किया। भैया एक बात कह दूं राजीव जी, एक साइकिल या स्कूटर चलाने वाले को अगर आप हवाई जहाज पकड़ा दोगे बगैर ट्रेनिंग के, तो क्लैश करेगा। आज यही हालत हो रही है, जनता स्वीकार, मुझे बताइए, और क्या मोदी जी को देश की जनता स्वीकार, राजीव जी का देश होगा? अभी तो हरियाणा की बात करो आप। चौधरी साहब, पूरे देश में एक भी कांग्रेस का लीडर किसी भी प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक ऐसा नेता हो जो जनता के अंदर 45 मिनट बोलकर जनता को बैठाए रखे, ऐसा एक भी राजनेता इस देश में कांग्रेस का नहीं है। और मोदी जी एक ऐसे आदमी है, एक ऐसे मुख्यमंत्री है, ऐसे प्रधानमंत्री कैंडिडेट, यदि 4 घंटा भी बोले और गर्मी पड़ती रहे तो लोग बढ़ते रहेंगे, घटने का नाम लेगा। ये उनकी तो लोकप्रियता का नतीजा है। क्या यही खूबी आप लोगों के लिए मुश्किल बन गई, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व में तो कोई आपके पास नजर नहीं आ रहा? हमारे पास बहुत से नेता है, हमारे पास राजनाथ जी हैं, सुषमा जी हैं, हमारे यहाँ अडवाणी हैं। प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? पार्टी का फैसला है, वो पार्टी का फैसला है। लेकिन अकेले में नरेंद्र मोदी जैसे जो गर्मी के अंदर 3 घंटा बोल रहे हैं, कोई रुकने जाने वाला नहीं है, और कांग्रेस में कोई 45 मिनट जनता को रोकने वाला आदमी। आप भूल गए कांग्रेस के जितने पुराने नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। चौधरी साहब पुराने वक्त की बात, अडवाणी जी ने, चौधरी साहब अडवाणी जी समर्थन करा चुके। इस वक्त मुकाबले के लिए कौन है आपके पास? नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, जो आरोप लगा रहे हैं नरवीर जी कि 45 मिनट अगर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो 45 मिनट जनता को बिठा रहे हैं, अगर वो 3 घंटे बोलना चाहे। इनके पास राहुल गांधी जिसे सभ्यता और संस्कृति का भी भारतीय ज्ञान है। आप नीचे जा रहे हैं, अगर सभ्यता और संस्कृति आग लगाने की है तो भाजपा को गर्व होना चाहिए। मेरे किसी नेता ने जातिवादी बात नहीं की, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है जनता पार्टी। अगर किसी काली मिर्च वाले उस पर मसाले के ऊपर गुड़ चढ़ा के किसी को दे दो तो वो देखने में तो गुड़ लगेगा। भारतीय जनता पार्टी देश की हर विपत्ति में आगे आती है। आज भी आज और हम और आप तो दोस्ताना माहौल में एक ही प्रांत में सियासी तौर पर विचारधाराएं अलग है, लेकिन भाईचारे के नाते पे
आप और मेरा और इनमें नरेश जी में कहीं भी कोई भिन्नता नहीं होगी। मैं आज के दिन आपको सिर्फ एक बात कहूंगा कि आने वाले चुनाव के बाद बैठेंगे और आपसे पूछूंगा कि जो बातें आपने यहां की हैं क्या वो अपने दिल से की हैं या नरेश की तरह नोट बना के ले आए और वो लिख कर दे दिए। भैया मत करो ये काम, मैं कोई नोट बना के नहीं लाया। हेलो, ये कोई नोट नहीं है, सुनो, ये आदमी जो जब जाता है कहीं सवाल है वो रह गया, किन मुश्किलों से आप निपट रहे हैं? आपके लिए घर के बाहर की चुनौती ज्यादा मायने रखती है या घर के बाहर? कांग्रेस पार्टी का प्लान क्या है आने वाले दिनों में? कांग्रेस बीजेपी हजका का प्लान तो हम देख रहे हैं, सामने है। बीजेपी रेवाड़ी की रैली हो चुकी है, अगली रैली की तैयारियां लगातार हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब मुकाबले के लिए किस तरह से तैयार हो रही है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अगले चुनाव के लिए असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार है, आश्वस्त है कि उसने काम किया है, वो लोगों के मन में बसती है। गरीबों के लिए जो जो प्रोग्राम इन्होंने दिए हैं वो कहीं इनके ख्वाब में भी नहीं होंगे प्लान करने के भी। उस नाते से हम डेवलपमेंट और पब्लिक के हित के काम करने के नाते अपना वोट मांगेंगे और वोट हमारी पवित्र अमानत उन लोगों के पास है। आप मानते हैं कि इस बार हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन होगा चौधरी साहब? नेतृत्व किस चीज का होता है? पार्टी का नेतृत्व होता है व्यक्तिगत तौर पे। अब ये भजन लाल जी के गीत गा रहे हैं, मैं उनका भाई कितना था, क्या भजन लाल जी 82 में 81 में नहीं छोड़ के आ गए थे जनता पार्टी? कांग्रेस में आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछली पंचवर्षीय योजना में बहुत काम किए, 67 से 40 एमएलए आगे। अब क्या बहुत काम किए हैं? जनता बता दे कि चुनाव नतीजे कितने एमएलए आते, उनकी लोकप्रियता कितनी और कांग्रेस पार्टी कितनी है। बीजेपी के भी किसी वक्त 9 से 11 हुआ करते थे, आज 1 पे आ गए। आपने कौन सा बीजेपी के 3 MP आए तो और देश में सरकार बनाई एक समय में। अब चाहे कितने ही एमएलए हो, अब की बार भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा दलित कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में सरकार बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। ये राजनीति है, इसमें दावे और वादे चलते रहते हैं, जो असली फैसला है वो जनता जनार्दन के हाथ में होता है और आने वाले चुनावों में जनता ये तय करेगी कि प्रदेश और देश में वो राजनीति की कमान, सत्ता की कमान किसके हाथ में देती है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमान का, खबरें जारी है।